आपको बताया, आठ ग्रह में से अब इनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ये चार ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के नजदीक हैं बहुत ज्यादा, और इनको कहा जाता है भीतरी ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है इसलिए इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है, और इन्हीं ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सूर्य से नजदीक है कौन कौन से हैं, चार ग्रह हैं शुरू के, टोटल आठ हैं, चार ग्रह नजदीक है, चार ग्रह जो नजदीक है वो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, इनको भीतरी ग्रह भी कहा जाता है और इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जो बचे हुए चार ग्रह हैं इनके अलावा उनको कहा जाता है जोगियन ग्रह, ठीक है, और उनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। तो ये आपके टोटल आठ ग्रह हो गए, भीतरी ग्रह, बाहरी ग्रह, और भीतरी वालों को पार्थिव भी कहा जाता है और बाहरी ग्रहों को जोगियन ग्रह भी कहा जाता है। अब एक फैक्ट में आपके सामने रीड करने वाला हूँ कि अभी तक प्लूटो जो कि एक प्लैनेट था, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था और ये भी एक पूरा प्लैनेट था पहले, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संगठन जो इंटरनेशनल इनका संगठन है भौगोलिक विज्ञान का, भौगोलिक संगठन, इन्होंने एक अपने एक बैठक में ये निर्णय लिया कि प्लूटो जो है वो काफी छोटा है आकार में और प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दिया गया और उसको प्लूटो को बोना ग्रह कहा गया। और ये कब हुई आपकी मीटिंग में बैठक हुई थी, अगस्त 2006 में, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब प्लूटो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है पार्थिव तथा जोगिन ग्रहों में अंतर। मैंने आपको बताया जो आंतरिक ग्रह होते हैं जो सूर्य से नजदीक होते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य से जो दूर है चार ग्रह उनको हम जोगिन ग्रह कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। तो पहला अंतर तो यही होगा कि इनकी दूरी के हिसाब से जो पार्थिव ग्रह होते हैं इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, जोगिन ग्रह होते हैं बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह जो है अपने भीतरी ग्रह हैं इसलिए सूर्य के नजदीक होते हैं, ठीक है, और ये जोगिन ग्रह हैं इस तरह से बहुत दूर होते हैं। पार्थिव ग्रह जो होते हैं यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण कहते समझ नहीं हो पाए, और जब ये सूर्य से नजदीक थे तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा था, क्योंकि सूर्य से नजदीक होंगे तो तापमान ज्यादा होगा, इसके कारण जो आपको ग्रैसे होंगे वो ग्रैसे थी जो जितनी भी ग्रैसे थी वो सूर्य की जो गर्मी के कारण ग्रैसे हुए, और लेकिन जो जोगिन ग्रह थे वो सूर्य से काफी दूर थे जिसके कारण वहाँ तक जो है तापमान इतना नहीं हो पाए और वहाँ की ग्रैसे नहीं हो पाए, और वहाँ की ग्रैसे समझ नहीं होगी और वहीं पर रहे। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, इसका मतलब क्या है, जो सौर वायु होती है जो सूर्य की वायु जो सूर्य की गर्म हवा होती है वो क्या थी, इन ग्रहों के नजदीक थी, क्योंकि सूर्य से जितने नजदीक होंगे इतनी गर्म हवा इनको लगी। तो ये सूर्य के नजदीक तो ये ग्रह जो पार्थिव ग्रह थे सौर वायु के कारण इन पर जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी गैस सौर वायु ना कर ले थी, और जो जोगिन ग्रह थे यहाँ तक सौर वायु नहीं पहुँच पाई, इसलिए यहाँ की गैसें नहीं हट पाई और आज भी उनकी ऐसी की गैस। पार्थिव ग्रह जो है इनका आकार छोटा है, ठीक है, और जो ये जोगिन ग्रह हैं इनका आकार बड़ा है, और ये बहुत बड़े बड़े चट्टानी विराट ग्रह हैं जहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल से, जब वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती नहीं चलती ना, वहाँ पर कुछ पानी वगैरह है जल भी नहीं, तो वहाँ पर जीवन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल ग्रह आपका और पृथ्वी है, और पृथ्वी ये पार्थिव जोगिन ग्रह में आपके अंदर थे, ज्यादा मुश्किल है